अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम फौजिया असलम योर साइंस टीचर एंड वेलकम यू ऑल टू DPS ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर टूडेज लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। टूडे वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर टूडेज लेसन्स आर By the end of lessons, you will be able to state the law of constant composition, you will be able to describe the chemical composition of water, and you will also be able to explain the constant composition of carbon dioxide from different sources. Now, dear students, let's start our today's lecture, which is the law of constant composition. First of all, dear students, you should know that what is meant by composition. कंपोजिशन इज़ रेफर टू द टाइप एंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसकी कंपोजिशन कहलाएगी। एंड व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें जितने टाइप के और जितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे वो उसकी कंपोजिशन कहलाएगी। We can also understand a composition by taking another example. For example, if you take a cup of tea, then what is the composition of that cup of tea? Composition means what things are present inside the cup of tea. So let's suppose in your cup of tea you have a sugar, tea leaf, water and milk. All these things are present in your cup of tea. It means that all these things involved in this composition. यानी कि अगर आपके पास एक कप ऑफ टी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन सी चीज़ें और कितने नंबर में प्रेजेंट हैं वो उसकी कंपोजिशन कहलाएगी। यानी कि आपके कप ऑफ टी में शुगर मौजूद है, टी लीफ मौजूद है, वाटर है और मिल्क है, ये सारी इसका मतलब है कि इसकी कंपोजिशन है। In late 1700, a French scientist Joseph Proust studied the chemical compound and explained his observation. हमारे पास एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जोसेफ प्राउस्ट, उसने स्टडी किया केमिकल कंपाउंड। एंड व्हाट इज अ केमिकल कंपाउंड? टू और व्हेन टू और मोर एटम्स केमिकली रिएक्ट इन अ फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। यानी कि हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन तब होती है जब हमारे पास टू और मोर एटम्स कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। इन केमिकली कंबाइन मीन के वो कंबाइन होते हैं बाय अ रिएक्शन, तो फिर ऐसे हमारे पास एज अ रिजल्टेंट जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो केमिकल कंपाउंड होगा। तो हमारे पास जो फ्रेंड साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने था, उसने स्टडी किया केमिकल कंपाउंड को और अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया। जोसेफ प्राउस्ट वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। इन 1794 ही प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन अलॉन्ग विद द केमिकल कंपाउंड एक्सप्लेनेशन। ही आल्सो पुट फॉरवर्ड अ थीरी अबाउट द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। इन 1794 ही प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। एंड वॉट इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन? द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन स्टेट दैट द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वॉज मेड एंड ऑब्टेन। ये ला हमें ये बताता है कि हमारे पास अगर कोई भी कंपाउंड है उसकी जो हमारे पास कंपोजिशन होती है वो हमेशा सेम रहती है। अब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि कंपाउंड क्या होता है और कंपोजिशन क्या होती है। जैसे कि कंपाउंड में हमारे पास टू और मोर एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली फिक्स्ड रेशियो में, और कंपोजिशन मीन कि उसमें व्हाट टाइप और व्हाट नंबर्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। तो वो ये हमारे पास ला ये स्टेट करता है कि हमारे पास अगर कोई भी कंपाउंड है तो उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ कंपाउंड वॉज मेड और ऑब्टेन, इन स्पाइट ऑफ कि वो हमें किस सोर्सेज से हमने ऑब्टेन किया है या हमने उसको खुद लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन होती है वो हमेशा सेम रहती है। यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जो टाइप ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन कैन आल्सो बी नोन एज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। इट्स मीन्स दैट इसमें हमारे पास एक डेफिनेट अमाउंट में, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं और फिर उनकी जो कंपोजिशन होती है वो हमेशा सेम रहती है। वी कैन आल्सो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन विद इन
with some examples. For example, the example of water. Water can be obtained from many sources. हमारे पास जो water है वो हम देखते हैं कि हम different sources हैं उसके, जिससे हम उसको obtain करते हैं. जैसे कि हमारे पास river से water भी obtain किया जा सकता है, well से भी सीज़, यानी कि हम दरियाओं से भी हमें पानी मिलता है. हमारे पास जो कुएँ होते हैं, जो हमारे पास समंदर होते हैं, इन सब, ये हमारे पास क्या है, all are these of sources of water. लेकिन असल में जो इसकी कंपोजिशन होती है वो हमेशा सेम रहती है. अब वाटर की कंपोजिशन क्या है, आप यू हैव आल्सो नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द वाटर व्हिच इज H2O. अब H2O कैसे फॉर्मेशन हुई इसकी, जब टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद द वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, देन द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड. यानी कि जब हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन की एक एटम के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल बना है दैट इज़ अ H2O, ये हमेशा यही रहता है. ये सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता कि अगर हमारे पास रिवर का वाटर है तो उसका H2O उनकी बजाय उसका कोई और फॉर्मूला होगा, या अगर हमारे पास वेल का है तो उसका वो नहीं. सोर्सेज डिफरेंट है लेकिन कंपोजिशन सेम है. यानी कि हमारे पास चाहे वो रिवर का वाटर है, चाहे वो हमारे पास वेल का या टैप वाटर है, वो हमेशा H2O के कम्बाइन होने से, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के कम्बाइन होने से ही बनेगा. और इसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही होगा, जो कि चेंज नहीं होगा. Here you can see the different sources, like you can see the tap water, seas and river water. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास अगर chemical formula की बात कर ली जाए hard water की, तो that is a H2O. It's means that whenever the two hydrogen atoms combine with the one oxygen atom, then the water formation is take place. अदरवाइज इट वुड नॉट बी टेक प्लेस. अगर हमारे पास दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलते तो हमारे पास जो एज अ रिडंडेंट कंपाउंड होगा वो वाटर नहीं होगा. जो कि हमारा लाभ ये बताता है कि कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है इन रिगार्डलेस ऑफ द विच वी कैन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और इट मे बी अ प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. There is another example by which we can explain the law of constant composition, which is carbon dioxide. Carbon dioxide is produced in a number of ways, but its one molecule always consists of one carbon atom and two oxygen atom. अब हमारे पास carbon dioxide एक गैस है, जो कि हमारे पास human being, अब इसके production के different ways है. First one, अगर human beings की बात कर ली जाए तो human beings भी oxygen gas को intake करते हैं और carbon dioxide अपनी body से एक्सक्रीट आउट करते हैं. तो हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स क्या है, एक सोर्सेज है जिसके जरिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. सेकंड वन, प्लांट इन द नाइट, वो भी अपनी बॉडी से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट करते हैं. तो ये हमारे पास सेकंड सोर्सेज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन का. थर्ड वन, बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, जितने भी हमारे पास फ्यूल्स हैं जब वो बर्न होते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. अब ये देखें, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो असल में कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ आ CO2, यानी इसमें एक कार्बन एटम कंबाइन विद एन टू ऑक्सीजन एटम, देन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस. तो ये जो हमारे पास जब एक कार्बन के साथ टू ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, ये हमेशा सेम रहती है. ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि वो ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं या हमारे प्लांट या हमारे बर्निंग ऑफ फ्यूल से आ रही है. ऑल दो सोर्सेज डिफरेंट है, लेकिन जो भी एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है हो रही है, वो कंसिस्ट करती है वन कार्बन एटम एंड टू ऑक्सीजन एटम. Here you can see the formula of the carbon dioxide. Carbon, one atom of carbon and two atoms of oxygen when combined, and it's a carbon dioxide formation take place. So it was all about the law of constant composition. Let's move towards the science, technology and society. Isotopes. An isotope is a one of two or more atoms having the same atomic number but different mass number. अब isotopes क्या कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा atom जिनका same atomic number हो लेकिन different mass number हो, वो हमारे पास isotopes कहलाते हैं. You have also studied about the atomic number and mass number. What is atomic number? The number of proton present in the nucleus of an atom is known as atomic number. यानी कि किसी भी atoms के nucleus में जितने number of protons होते हैं उसका atomic number कहलाता है. Similarly, the sum of number of protons and neutrons which is present in the nucleus of an atom is known as mass number. यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटोन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो हमारे पास मास नंबर कहलाता है.
तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स हमारे पास असल में टू और मोर एटम्स हैं जिनमें जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, यानी कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि मास नंबर, इन दोनों को जो सम है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। ऐसे हमारे पास एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, देर इज आल्सो सम रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? हमारे पास कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो कि ड्यू टू अनस्टेबिलिटी रेडिएशन रिलीज करते हैं। ऐसे आइसोटोप्स दैट रिलीज द रेडिएशन आर नोन एज रेडियो आइसोटोप्स। ऐसे आइसोटोप्स को हम क्या कहते हैं? रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसको यूज़ करते हैं। नंबर वन, हम रेडियो आइसोटोप्स को फूड इरेडिएशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब फूड इरेडिएशंस क्या होता है? फूड इरेडिएशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने फूड में से जितने भी जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल करते हैं, और जिसके वजह से हम अपने फूड को एक लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना वो प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो वट इज़ रेडियो आइसोटोप्स? रेडियो आइसोटोप्स कैन बी यूज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियो आइसोटोप यूज इन द फूड इरेडिएशन। एंड वट इज़ अ फूड इरेडिएशन? फूड इरेडिएशन इज अ मेथड टू मेक द फूड सेफर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक ऐसा मेथड है जिसे हम एक लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए अपने फूड को सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। द रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो आइसोटोप्स, अब इसको कैसे सेव करते हैं? एक्चुअली में जो हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स रेडिएशन रिलीज करते हैं, हम वो रेडिएशन को यूज़ करते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें स्पेशली हमारे पास बैक्टीरिया है, दैट इज़ प्रेजेंट इन फूड। हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स में जितनी भी हमारे पास रेडिएशन रिलीज होती है, उन रेडिएशन को हम एक्चुअली यूज़ करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, जो कि हमारी फूड में प्रेजेंट है, और इस तरह हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे और हम अपनी फूड को एक लॉन्गर टाइम के लिए जो है ना प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट रिकैप्चुलेशन है स्टूडेंट, यू हैव स्टडीड अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू स्टडी अबाउट दैट अ फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। जोसेफ प्राउस प्रेजेंट इन 1794 द लॉ ऑफ द कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। एंड वट इज़ द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ कंपाउंड वॉज मेड और ऑब्टेन। हमारे पास जितना कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि हम उसको कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं या उसको खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। ये यू कैन सी, यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द वाटर एग्जाम्पल। वेन टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कम्बाइन, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, अब देखें कि एक अगर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलता है तो वन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, बट इफ़ द फोर हाइड्रोजन कम्बाइन विद द टू ऑक्सीजन देन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड। देखिए, टू हाइड्रोजन के साथ वन ऑक्सीजन एटम कम्बाइन होगा तो वन वाटर फॉर्मेशन होगी। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास सेकंड जो दो हमारे पास हाइड्रोजन उनके साथ एक और ऑक्सीजन अटैच होगा तो हमारे पास, लेकिन देखिए हमारे पास फॉर्मेशन H2O मॉलिक्यूल की हुई है, लेकिन क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गई है। वाटर कैन, यू हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट द वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट इट्स केमिकल कंपोजिशन इज सेम। सिमिलरली फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन नंबर ऑफ वेज बट इट्स कंपोजिशन इज सेम। यू कैन सी हेयर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर बट इट्स कंपोजिशन इज सेम विच इज H2O। एंड यू हैव ऑल्सो नोन दैट अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज लाइक ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, प्लांट इज आल्सो सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, एंड द बर्निंग एंड कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स इज आल्सो सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। यानी कि ये डिफरेंट सोर्सेज है जिसके जरिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होती है, लेकिन अगर इसकी कंपोजिशन की बात कर ली जाए तो कंपोजिशन हमारे पास सेम रहती है, जो कि हमारे पास CO2 होते हैं, यानी कि एक कार्बन एटम जब दो ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। इसी तरह इसके बाद आपने रेडियो आइसोटोप्स के बारे में स्टडी किया। रेडियो आइसोटोप्स आर दोज आइसोटोप्स विच रिलीज अ रेडिएशन, एंड दीज रेडिएशन आर यूज इन अ फूड इरेडिएशन। इन फूड इरेडिएशन वी यूज अ रेडिएशन विच इज़ रिलीज बाय द रेडियो आइसोटोप टू किल अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर फूड, एंड देन दैट्स वाई वी कैन प्रिजर्व आवर फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम, फॉर टू सेफर टाइम।
नेक्स्ट हेयर स्टूडेंट्स, ये दिस इज़ योर होमवर्क असाइनमेंट विच यू हैव टू डन इन योर नोटबुक. ऑन योर नोटबुक क्वेश्चन नंबर वन, हु प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज मीन्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस. एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स. यू हैव स्टडीड अबाउट हु प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन लाइक जोसेफ प्राउस इन 1794. व्हाट इज मीन्ड बाय कंपोजिशन. यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द कंपोजिशन, व्हाट इज कंपोजिशन. एंड थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन योर लेक्चर विच इज व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स. इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन विच इज स्टेट द लॉ of constant composition and give the examples. It was all about our today's lectures, and thank you so much students for watching this video.